हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीथिंग बायो। मैं हूं सुष्मिता, आपकी एजुकेटर। आई होप यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड यू आर लाइकिंग माई लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रही है तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो भी मैं जब भी मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो एक्चुअली आई हैव प्रिटी बिजी शेड्यूल, लाइक आई हैव अ फुल टाइम जॉब, उसके साथ मेरी पढ़ाई भी चलती है। तो इसके साथ साथ मैं एक्चुअली थोड़ा लेट हो गई ये पूरे सीरीज़ शुरू करने में, बट स्टिल और बस 20-25 दिन ही बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, राइट? टुडे इट्स 8 अप्रैल और 7 मई को एग्ज़ाम है। बट वेल, दिस इज़ अ रिवीजन पर्पस। रिवीजन पर्पस के लिए हम लोग अभी नीट को कवर कर रहे हैं। नाउ आई थिंक कि मैं आज से ही स्टार्ट कर रही हूँ कि पर डे एटलीस्ट मैं 2 या 3 वीडियोस डाल पाऊँ, ताकि ये पूरे जो सीरीज़ है इसको मैं ख़त्म कर पाऊँ। नाउ मैं अगर 1 महीने पहले से शुरू करती तो आई गेस बहुत अच्छा होता, बट सम हाउ आई वॉज नॉट एबल टू डू दिस बिकॉज सिक थी और बहुत सारे रीजन्स थे। एनीवे, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लाइक 100% आई एम गिविंग ऑन इट, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट दिस इज़ चैलेंज टू माई सेल्फ कि मैं बिफोर द नीट आई एम कम्प्लीटिंग द होल थिंग। वेल, आई नीड टू डू द प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेशंस ऑल्सो, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट मैं कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ आपको तो तभी पता चलेगा ना, जब आप सब्सक्राइब करेंगे, राइट? सो सब्सक्राइब द चैनल एंड बने रहिए। और आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि अगर नहीं पता चलेगा मुझे तो मैं कैसे सुधारूंगी, राइट? सो मुझे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं, या तो फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है एवरीथिंग बायो, वहाँ पे भी आप मुझे बता सकते हैं। और अगर कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन हुआ या तो फिर कोई इमेज के पर्पज़ में अगर कुछ भेजना है तो यू कैन ऑल्सो मेल मी। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में या तो फिर कमेंट सेक्शन में बताया जा रहा है, मतलब मैं वहाँ पे लिख देती हूँ, या तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं कि क्या है मेल आईडी, तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है? मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि वैसे भी सबको तो रिप्लाई करना ही है। एनीवे, तो शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। इसके पहले 3 चैप्टर्स ख़त्म हो गए हैं। दिस इज़ द सेल, चैप्टर 8 करवा रही हूँ। हाँ, एनिमल किंगडम नहीं करवा रही हूँ, नहीं करवा रही हूँ, दिस इज़ करवाऊँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाऊँगी, लेकिन सेल इज़ यू नो बेसिक चैप्टर है, तो पहले बेसिक को ख़त्म कर लेते हैं रैदर देन फॉलोइंग द होल मतलब होल क्या बोलते हैं उसको, पूरे कंटेंट, जैसे कि प्रॉपर वे में एक के बाद एक जैसे रखा गया है एनसीईआरटी में, उसको फॉलो ना भी करें तो भी चलेगा, एक सेंसिबल वे में भी उसको फॉलो कर सकते हैं, राइट? तो सेल को मैं सोची कि सेल को सबसे पहले अगर पढ़ा देते हैं तो बेटर होगा, क्योंकि एनिमल किंगडम के बाद आ जाता है मॉर्फोलॉजी, फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके बाद बहुत सारे ऐसे टिश्यूज़ वगैरह है, तो इसके पहले सेल बहुत बाद में आ जाता है, तो इट्स बेटर कि सेल को कर लेते हैं। सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल्स, ऑल दिस चैप्टर्स आर वेरी बेसिक, तो उसको पहले ख़त्म करते हैं, और फिर आई गेस मैं 12th का कुछ चैप्टर करवा दूँगी, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैं प्रॉपर वे में अभी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, एनसीईआरटी उतना सोच के नहीं रखा है कि हाँ पहले बेसिक करे पहले नहीं करे, तो एनीवे पता नहीं कैसे सोच के रखे हैं, लेकिन मैं इस तरीके से करूँगी, ठीक है? तो अभी हम लोग शुरू करेंगे सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। वेल, सेल इज़ अ वेरी प्रिटी प्रिटी चैप्टर, क्योंकि ये बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। आप लोग बहुत पहले से इस चैप्टर को पढ़ते आते हैं, मतलब एटलीस्ट मतलब कुछ ना कुछ तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते ही हैं। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, लिविंग, नॉन लिविंग, ऑलरेडी हम लोग लाइफ साइकिल में लिविंग वर्ल्ड में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ लिविंग, व्हाट इज़ नॉन लिविंग, राइट? तो लिविंग और नॉन लिविंग, तो लिविंग और नॉन लिविंग, जो नॉन लिविंग थे और जो लिविंग थे, इतना मोटा क्यों है, एक सेकेंड, हाँ, जो लिविंग था और नॉन लिविंग था, उसमें डिफरेंस क्या क्या था कि लिविंग में हम लोग देख रहे थे, देखो दोनों में ही ग्रोथ है, दोनों में ग्रोथ होती है, लेकिन एक में इंट्रिंसिक होती है, एक में एक्सट्रिंसिक होता है, ठीक है? उसका डिफरेंसेस हम लोग पढ़े थे। उसके साथ साथ लिविंग में क्या रहता है, कॉन्शियसनेस रहती है, रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस भी रहती है, मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है? तो ऑल दिस थिंग्स वेर पार्ट ऑफ दिस,
ठीक है। तो रिप्रोडक्शन को हम लोग एकदम कैटेगराइज नहीं कर रहे थे क्योंकि स्टेराइल जो होते हैं वो भी लिविंग ही होते हैं, तो इसीलिए उसको कैटेगराइज नहीं किया जा रहा था। लेकिन कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, एवरीथिंग वॉज कंसिडर्ड एज लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। वेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यस यू मस्ट हैव वॉन्डर्ड एंड आस्क योर सेल्फ वॉट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग और वॉट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज। द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स, सम आर कंपोज ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, वाइल द अदर्स लाइक अस कंपोज ऑफ मेनी सेल्स दैट आर कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो अगर एक सेल प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनी। कहीं पे भी एक है तो हम लोग उसको क्या क्या नाम होता है, यूनी होता है, मोनो होता है, तो दीज आर द टर्म्स, राइट। और एक से अगर ज़्यादा हुआ, एक से ज़्यादा नहीं मतलब अगर बहुत ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी, क्योंकि मल्टीपल सेल्स आर प्रेजेंट देयर, दैट्स इट। नाउ व्हाट इज अ सेल, अब सेल क्या होता है, देखो जो यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर है उसको तुम ऐसे नॉर्मल जो हम लोगों के एक एग्जांपल होता है, जैसे कि सपोज आप 1 BHK में रहते हो, या तो फिर 1 BHK नहीं, एक हॉल में रहते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि ज़िंदगी के पहले हिस्से में बहुत ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो लोग कभी ऐसे भी रूम पे रहते हैं जहाँ पे एक ही हॉल जैसा रूम है, वहीं पे आप लोग एक जगह वहीं पे सो रहे हैं, वहीं पे किचन है, वहीं पे आप खाते हैं, मतलब डाइनिंग की जैसे भी किया हुआ है, वहीं पे दीवार पे कहीं पे टीवी रखा हुआ है, तो वो लिविंग रूम पे जैसे भी हो गया। तो एक ही रूम के अंदर एक एक हिस्से में मतलब एक ही हॉल में वो सारे काम हो रहा है, जिसके लिए कोई भी अगर आप अलग कोई घर में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, ठीक है, कोई भी किसी के घर में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे अलग अलग स्पेस क्या हुआ रहता है, जैसे कि ये किचन एरिया है तो यहाँ पे बस खाना पकेगा, वो लिविंग रूम है तो वहाँ पे बस हम लोग ऐसे चिल करेंगे, नॉर्मल टीवी देखेंगे, ठीक है। कोई अगर बाहर से आ रहा है तो वहाँ पे रहेंगे। गेस्ट रूम है, अगर बाहर से कोई आ रहा है तो उनको रहने के लिए बेडरूम होता है सोने के लिए, स्टडी रूम होती है अलग, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग ऐसे डिफाइन एक एरिया किया जाता है कि ये पर्टिकुलर काम के लिए आप इस स्पेस का यूज़ कीजिएगा, ठीक है, या तो फिर वो पर्टिकुलर काम के लिए आप उस स्पेस का यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे एक स्पेस डिफाइन किया गया है। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर में एक ही सेल के अंदर सारे काम होता है, और यही सेल के अंदर मतलब यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, दैट डजंट मीन, मैं ये सेल की बात बोल रही हूँ कि ये सेल को अगर हम एक घर के जैसे देख रहे हैं, तो एक ही सेल में क्या होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, ठीक है। ऐसे कंपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है कि ये कंपार्टमेंट में किचन का काम चलेगा, यहाँ पे लिविंग रूम का काम चलेगा, ठीक है, यहाँ पे आप बेडरूम बोल सकते हैं इसको, या तो फिर ये एक हॉल रहेगा, यहाँ पे डाइनिंग स्पेस है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ डिफाइंड हियर कि हाँ ऐसे ऐसे स्पेस है। तो ये ऐसा होता है क्या, ये हम लोग देखते हैं जनरली यूकैरियोटिक में, ठीक है, ये अलग अलग सा स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि एक वो 1 RK रूम जैसा होता है, कि एक ही रूम है, वहीं पे किचन है, वहीं पे लिविंग रूम है, मतलब लिविंग रूम जैसा कुछ नहीं, वहीं पे टीवी को रखा गया है, वहीं पे छोटा सा एक जगह में खाना वाना खाते हैं टीवी देखते हुए, ठीक है, वहीं पे बगल में गैस रखा हुआ है, ओवन रखा हुआ है, वहाँ पे खाना पकाया जाता है, ठीक है। अगर कोई बाहर से भी आता है तो वहीं पे सब एक साथ मिल बांट के रहते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ अ प्लेस जहाँ पे वो सारे काम हो रहा है, जो कि इस जो सिचुएशन है, ये जो घर हम लोग पहले देख रहे थे जहाँ पे वेल डिफाइंड था, वहाँ पे जो जो काम हो रहा था, ये सारे काम यहाँ पे भी हो रही है जहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन ये इसको यहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन करके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा गया है, लेकिन यहाँ पे उतना ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए उसके पास बजट नहीं है, ठीक है, कि अलग से कोई एक जगह फिक्स कर दे, वैसा कोई बजट नहीं है। वो आराम से उसके अंदर
कि हाँ ठीक है, यहीं पे आप जगह बना लीजिए, यहीं पे काम करेंगे। तो ये हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में हम लोग क्या देखते हैं कि कोई ऐसा कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं रहता है, वो आराम से अपना काम करता रहता है। ठीक है, वहीं पे वो जगह बना के एक-एक पोर्शन को बोल दिया कि हाँ सब मिल बांट के रहो, मिलजुल के रहो, झगड़ा वगैरह नहीं करना। और यहाँ पे ये बोले हैं कि नहीं, ऑर्गेनाइज वे में रहना है, अच्छे से रहना है, पॉश तरीके से रहना है। ठीक है, तो अब देखते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में बेसिकली क्या होता है, जो यूनिसेलुलर होते हैं इनके पास ये जो सेल है, एक ही सेल प्रेजेंट होता है और वही सेल सब काम करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोले कि ये प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि एक ही सेल है, इस सेल के अंदर वो सब कुछ काम चल रहा है। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे सेल एक डिफाइनाइट काम पे मतलब चर्चा करते हैं। जैसे कि बहुत सारे सेल्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो बहुत सारे सेल्स एक साथ मिला के क्या होता है, टिश्यू होती है। फिर बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिला के क्या करते हैं, ऑर्गेन करते हैं, ऑर्गेन बनाते हैं। फिर वो ऑर्गेन, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेन एक साथ जुड़ के क्या होता है, ऑर्गेन सिस्टम होता है। और फिर यहाँ पे बॉडी बनती है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल की बॉडी बनती है। तो वो कहाँ से शुरू हुआ, सेल था, फिर टिश्यू हुआ, फिर टिश्यू के बाद क्या होता है, ऑर्गेन होती है, ऑर्गेन बनता है, बहुत सारे ऑर्गेन मिलके ऑर्गेन सिस्टम बनती है, ओएस। इसके बाद आता है बॉडी बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑल दिस थिंग्स आर कंसिडर्ड अंडर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसके पास बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, तो ये अपना सेल को कहीं पे भी काम पे लगा सकता है। लेकिन इस बेचारे के पास, ये यूनिसेलुलर के पास बस एक ही इकलौता सेल है, तो उसको वो उतना ज़्यादा कुछ नहीं करता है, वहीं पे वो एडजस्ट कर लेता है कि हाँ मेरे पास बजट इतना ही है, इतना ही मेरे पास स्पेस है, इसको बढ़ा नहीं सकते, मैन पावर भी ये एक ही है जो ये काम करेगा, तो इसी में मुझे सब कुछ एडजस्ट करके रहना है। ठीक है, तो अब देखते हैं व्हाट इज अ सेल। तो ये तो था एक ओवरव्यू, जस्ट ओवरव्यू भी नहीं था, मैं ये एग्जांपल बताई जस्ट, ठीक है, समझाने के लिए। नाउ व्हाट इज अ सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे पास आधा अधूरा कुछ चीज़ है, कुछ पोर्शन नहीं है, कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है जो कि होना चाहिए था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो फिर मैं उसको नहीं करें कहेंगे इंडिपेंडेंट लिविंग। उसके पास हर वो चीज़ प्रेजेंट होना चाहिए जो कि एक बेसिक सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये लाइन बहुत ही सुंदर है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है ठीक है, वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चरल वे पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो रहेगा और फंक्शन जो रहेगा, मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन ये दोनों का काम हम लोग इसी चीज़ से करवाएंगे जो कि जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल। मतलब यही एक सेल है, ये सेल क्या कर रहा है स्ट्रक्चरल वे में, स्ट्रक्चर और फंक्शन। स्ट्रक्चर मतलब मेरे पास इतना ही स्पेस है और इसी स्पेस में मुझे सब काम करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर कि इसको मैं और बढ़ा चढ़ा नहीं सकती हूँ, इसको और कुछ मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज्ड वे या कुछ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, यही मेरा स्ट्रक्चर है, इसी में मुझे सब कुछ करना है। फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यही बस मेरे पास मैन पावर है और यही इंसान, मतलब यही मैन पावर को यूज़ करके मुझे सारा काम करवाना है। ओके, दैट इज़ द डिफरेंस कि हाँ स्ट्रक्चरल भी हुआ कि स्ट्रक्चर के लिए भी, स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए बस ये इकलौता है, और फंक्शन जो होता है सेल का, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जो भी पाथवेज है, जो भी है ठीक है, ये सारे के सारे काम करने के लिए बस ये इकलौता यही बचा है, तो ये फंक्शनल यूनिट भी है। तो भले ही वो मल्टी सेलुलर हो, भले ही वो यूनि सेलुलर हो, अगर वो सेल है तो सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी हो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सेल उसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट हो। ठीक है, एंटन वॉन लीवेनहॉफ फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। तो कौन क्या देखे थे वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में आता है। ठीक
ठीक है, तो ये सब आप ध्यान पे रखिएगा कि एंटन वॉन लीवेनहॉक क्या किए थे। ही डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इट्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ सेल। अब देखो, पहले जितना भी जो भी होता था, ठीक है, 60s में 70s में जो भी होता था और आज जो भी होता है, उसमें डिफरेंस एक ही चीज़ है, टेक्नोलॉजी का। ठीक है, टेक्नोलॉजी का जितना बेहतरीन टेक्नोलॉजी आती रही, उतना ज़्यादा ये दुनिया डेवलप्ड करता गया। ठीक है, बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट होती रही। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि AI आ गया है, ChatGPT आ गई है, रोबोटिक, बहुत बहुत कुछ रोबोटिक्स हो रही है, मैन पावर की, मैनुअल की और कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया है, सेम आ गया, टेम आ गया, ठीक है, तो उतना ही डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम लोगों को मिलना शुरू हो गया कि कितना भी माइन्यूट हो वो स्ट्रक्चर, हम लोग जूम करके अच्छे से उसका स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ये पहले पॉसिबल नहीं था, जब टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया था तब ये पॉसिबल नहीं था। तो धीरे धीरे वही यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ है माइक्रोस्कोप का, और वो इन्वेंशन के बाद जैसे टेक्नोलॉजी बेहतरीन होती गई, उतना जल्दी हम लोगों को ये सेल के बारे में, ये सारे की चीज़ के बारे में सब कुछ पता चलना शुरू हुआ। सेल थियोरी इन 1838, मैथियस स्लेडेन जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। और एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर स्वान, कौन था ये बॉटनिस्ट, ये बॉटनिस्ट थे 1838 में, मैथियस स्लेडेन जर्मन बॉटनिस्ट थे, और थियोडोर स्वान 1839 में वो डिस्कवर किए थे, क्या वो क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। सो स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टूडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। तो देखो, जो बॉटनिस्ट थे वो नहीं, ठीक है, जो जुआलॉजिस्ट थे स्वान, थियोडोर स्वान प्लांट सेल वॉल के बारे में बताए थे। ठीक है, तो ऐसा लग सकता है कि जो बॉटनिस्ट थे वो ही बताए थे, नहीं, आप ये याद रखना कि जो जुआलॉजिस्ट थे थियोडोर स्वान, उन्हीं ने प्लांट सेल वॉल के बारे में पहले बताए थे, प्लांट टिश्यू के बारे में उन्होंने जब देखा, स्टडी करते हुए, जब एनिमल सेल का स्टडी कर रहे थे उसी टाइम में वो प्लांट सेल का भी देखे, और उस टाइम में उनको पता चला कि यहाँ सेल वॉल करके कोई भी यूनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। स्लेडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वेर फॉर्म्ड। रुडोल्फ वर्चॉ फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट इज ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। तो ये उन्होंने एक लाइन बताई थी, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, रुडोल्फ वर्चॉ। इसका मतलब क्या है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब सेल कहीं हवा से नहीं आ जाता है। ठीक है, अचानक से तुम ऐसे नॉर्मल देख रहे हैं, अचानक से कहीं पे सेल आ गया, फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब एनलार्ज हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है। ठीक है, तो ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब ही ये है कि हमेशा न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले यहाँ पे सेल था, फिर ये सेल ने माइटोसिस किया या तो फिर मियोसिस किया, सेल डिवीजन हुआ। ठीक है, तो धीरे धीरे ये दो सेल में या तो फिर चार सेल में ये डिवाइड होता गया। तो ऐसे करके पहले कोई तो भी सेल प्रेजेंट था, वहाँ से वापस सेल आती है। अब ये पहला जो सेल था ये कैसे बना था, क्या हुआ था, उसकी स्टोरी तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे बस हम लोग ये जान रहे हैं कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल का फॉर्म होती है। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लेडेन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टूडे,
सेल थ्योरी के बारे में वो क्या बताए थे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। अब देखो, कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स दोनों अलग अलग मीनिंग है इसका। क्या मीनिंग है कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं, ठीक है, सेल से बने हुए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो भले ही वो यूनिसेलुलर हो, भले ही वो मल्टी सेलुलर हो, सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हुए हैं। सो इसका मतलब हो गया कंपोज्ड ऑफ सेल। और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल का मतलब क्या है, ये है कि ये जो यहाँ पे लाइन बताया गया है ओमनीसेलुलर ई सेलुलर, दैट इज प्रोडक्ट्स ऑफ सेल का मतलब है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऑफ सेल है। मतलब कोई भी तो यहाँ पे था प्री एग्जिस्टिंग सेल और वहीं से ये सेल आया है। तो अगर ये कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है तो मतलब क्या है कि ये एक प्रोडक्ट ऑफ सेल है, ठीक है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट्स इट। सो एंड ओवरव्यू ऑफ अ सेल। तो अब हम लोग अब तक देख लिए कि कौन क्या डिस्कवर किए थे, ठीक है, क्या पता चला, इन्वेंट्री कैसे हुई थी, ये सब। अब हम लोग देखेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन एन अनियन पेल एंड और ह्यूमन चीक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। द अनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल हैज डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट is the cell membrane. The cells of the human cheek have outer membrane as the delimiting structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. अगर आप कभी onion peel जो class 9 में या 10th में था, मुझे याद नहीं आ रहा, I think 9th में था, ठीक है, ये एक मतलब उस बुक में ही, एनसीईआरटी में ही है, ठीक है। तो एक जगह क्या होता है, अनियन का जो पिल होता है, मतलब आप एक अनियन को छुलने के बाद वो जो मिलता है, मेरे पास कोई नहीं है वरना मैं दिखाती, तो वहाँ पे अगर आप माइक्रोस्कोप पे रखते हैं तो यहाँ पे ऐसे टाइप के कुछ सेल्स नज़र आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं, अगर कभी भी आप ऐसे अनियन को देखें, अनियन सेल को, ठीक है। और चिक सेल में क्या होता है, यहाँ पे चिक सेल्स प्रेजेंट होता है, और चिक सेल्स को भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ओके। सो नाउ दिस न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इसी न्यूक्लियस के अंदर, सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस, इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है। पहली बात तो इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम कैसे करके प्रेजेंट होता है, यहाँ से लेके ये ऐसे आउटर लेयर के साथ, कभी ऐसे करके ये पूरे सेल में ऐसे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर्स बोलता है इसको, क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यही एक क्रोमैटिन फाइबर को अगर आप उस, ये तो एकदम बंडल में रहते हैं, तो अगर इसको एक्सपोज हम लोग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे जितना ज़्यादा हम लोग उसको और खोलने की कोशिश करेंगे तो बाद में हम लोग को पता चलेगा कि इसके अंदर ऐसे डीएनए प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो ये है बेसिक। बेसिक में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिस इज अनियन सेल जो कि अनियन के पील से हम लोग को मिला है। दिस इज चीक सेल। अगर आप कोई भी स्वैब करते हैं अपने चीक के अंदर से और फिर निकाल के, वो स्वैब निकाल के स्लाइड के ऊपर रख के फिर आप उस स्लाइड को अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको कुछ सेल्स नज़र में आती हैं। तो जो सेल नज़र में आती है वहाँ पे आपको मिलता है बड़ा बड़ा ऐसे न्यूक्लियस, और उसी न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, कुछ क्रोमोसोम्स जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है। सो क्रोमैटिन फाइबर्स को मिलके ही क्रोमोसोम होता है, वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव वे में वो कॉम्पैक्ट एक स्ट्रक्चर बनाता है
और फिर यही फाइबर्स बाद में जुड़ के ये क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं। तो अगर आप जैसे कि इसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में और ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर देते हैं तो ये ऐसा क्रोमोसोम मिलता है, लेकिन इसको अगर आप खोलते हैं, ठीक है, अनवाइंड अगर करते हैं तो धीरे धीरे ये एक डीएनए तक पहुँचता है, ठीक है। तो ये है एक बीच का सिचुएशन, मैंने जो यहाँ पे ड्रॉ किया है ये एक बीच का सिचुएशन है, ये है क्रोमैटिन फाइबर, अभी ये फाइबर के फेज में है, ठीक है। तो इससे अगर यहाँ पे जाएगा, अगर आप इसको अनवाइंड करते हैं, ठीक है, और ये क्रोमैटिन फाइबर ये क्रोमोसोम बनाएगा, कब बनाएगा, अगर इसको और ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट किया जाता है, मतलब और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो देखो सपोज ये है क्रोमैटिन फाइबर, इसको और ज़्यादा अगर मैं खोलती हूँ, सपोज दिस इज द क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है, दिस इज द क्रोमैटिन फाइबर, तो इसको मैं और ज़्यादा अगर खोलती हूँ, खोलने के बाद मुझे एंड में ऐसे डीएनए मिलेगा, दिस इज द डीएनए प्रेजेंट हियर, ठीक है। और इस क्रोमैटिन फाइबर को, जो ऑलरेडी ये क्रोमैटिन फाइबर है, इसको मैं और ज़्यादा, ये जितना भी है इसको और ज़्यादा मैं इसे और ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर रही हूँ, ठीक है। कंस्ट्रिक्ट करने के बाद क्या होगा, ये अभी जो ऐसा बना है ना, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है, दिस इज द क्रोमोसोम, ओके। तो ये बीच वाला स्टेट है जो कि मैं यहाँ पे बनाई हूँ क्रोमैटिन का, इसको और ज़्यादा अगर अनवाइंड करते हैं तो वो डीएनए दिखाता है, और थोड़ा सा अगर मीडियम होता है तो वो क्रोमैटिन फाइबर में आ जाता है, और ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट अगर करते हैं तो वो क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा, ठीक है, ओके। तो इसके बाद क्या होता है कि सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्ली आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर एज सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पे आ रहा है अभी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो लेट्स सी, सपोज ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, दिस इज द यूकैरियोट, ठीक है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये न्यूक्लियस क्या होगा, बेसिकली ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होती है, ओके, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड होती है, इसके अंदर फिर वो न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये वाला चीज़ जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट है यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं वो न्यूक्लियोइड्स होते हैं, और ये ऐसा नहीं होता है, ये यूकैरियोट के जैसे नहीं होते, यहाँ पे कोई भी जो ये प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, ये आराम से अपने सेल के अंदर एक जगह में ऐसे कंजेस्टेड रहते हैं, लेकिन कोई भी अलग से मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि फैला हुआ रहता है पूरे सेल में, ये भी अपने हिसाब से वो एक जगह पे रहता है, लेकिन अलग से कोई मेम्ब्रेन से उसको घेर के नहीं रखते, ठीक है, वो अपने आप के दिमाग पे रखता है कि हाँ मुझे इस एरिया में रहना है, ज़्यादा फैलना नहीं है, वो अपना एक बाउंड्री बनाता है, लेकिन कोई भी बाउंड्री नहीं बनाता है, उसको उस लाइन को हटा दो, ये अपना एक एरिया अपने पास रखता है कि हाँ ठीक है मैं यहीं पे रहूँगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, इसको बाउंड्री से घेरा भी नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये एक बाउंड्री से उसको कवर किया जाता है कि नहीं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बाहर तुम नहीं जाओगे, यहाँ से कोई अंदर कुछ नहीं आएगा, आता है बहुत ही कम, कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स आते हैं क्योंकि यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे कि पोर्स क्या प्रेजेंट होता है क्या नहीं होता है, वो सब के बारे में हम लोग बाद में देख रहे हैं। सो सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्ली आर कॉल्ड यूकैरियोटिक्स, एंड दैट द सेल्स दैट हैव लैक मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। तो अगर हम लोग देखते हैं तो दिस इज द प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल, और ये क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। नाउ इसके बाद बताया गया है कि
In both prokaryotic and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plant and animal cells. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होती है, ठीक है? ये वाले जो पोर्शन है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होती है. सो दिस इज द न्यूक्लियोइड, दिस इज द साइटोप्लाज्म, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द साइटोप्लाज्म. इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग ये भी देख रहे हैं कि दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और ये क्या होता है? न्यूक्लियोलस. ओके, वन सेकेंड. यहाँ पे जो mRNA सिंथेसिस वगैरह ये सब न्यूक्लियोलस में होती है. ओके, तो हमने देखा कि दैट इज़ अ लिविंग स्टेट में जो भी है सेल्स, वहाँ पे बेसिकली केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है. नाउ बिसाइड द न्यूक्लियस, द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स. द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. तो देखो, पहले ही बताया था कि कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है. तो यहाँ पे किस चीज़ को बताया जा रहा है? जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत फैंसी कुछ नाम दिया गया है, अलग अलग जगह यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि हाँ गॉल्गी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तुम गॉल्गी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे बस सिक्रेशन सिंथेसाइज ये सब काम यहाँ पे चले. ओके, लाइसोसोम. ओके, लाइसोसोम ये जो एरिया है ना हमारा, यहाँ पे बस सुइसाइडल काम चलेगा. मतलब अगर कुछ सेल को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसको अगर डिस्ट्रॉय करना है, पूरे घर को अगर उड़ाना है, तो यहाँ पे इसके पास सारे के सारे बॉम्ब वगैरह सब कुछ यहाँ पे रहेगा. ये जब ज़रूरत हो गई उसको यूज़ करेगी. माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा ठीक है, यहाँ पे पूरे जो एनर्जी लगेगी हमारे पूरे बॉडी के लिए, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करना होगा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे खाना वगैरह पकाएगा और फिर हमारे पूरे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा. माइक्रोबॉडीज ये आसपास की जो काम है वो सब करता रहेगा. और वैक्यूल्स ये भी, मतलब ऑल दिस थिंग्स आर बेसिकली डिसाइडेड कि हाँ ठीक है, ये एक ऑर्गेनेल है, यहाँ पे ये काम करना है. जैसे कि हमारे घर पे पूरा सेट होता है कि ये किचन है, ये लिविंग रूम है, ऐसे करके. लेकिन प्रोकैरियोट्स में तो ऐसा कुछ है नहीं ना. प्रोकैरियोट्स पहले ही वो प्रिमिटिव एक है, उसको उतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया गया था. बाद में तो यूकैरियोटिक आया, उसको मॉडिफाई किया गया है कि हाँ ठीक है, एक रूम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे और ज़्यादा कंपार्टमेंटलाइजेशन करो और कंपार्टमेंट बना के अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग काम करवाओ, ठीक है? ये तो आया बाद में ना. लेकिन प्रोकैरियोटिक जो था वो क्या था? वो प्रिमिटिव था बेचारा. उसके टाइम में उतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हुई थी, उसमें एक ही रूम था, उसी में सब कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा था. तो इसीलिए उसके पास कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं है, वो एक ही इकलौता सेल है उसके पास, उसी को वो काम पे लगाता है और वहीं पे सब कुछ चलता रहता है. राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल सेल्स, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक. विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल्स, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये कहाँ पे रहता है? नाउ विद द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल्स. कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में, प्लांट के अंदर. प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होती है क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस चलती है. हमारे पास तो कुछ है नहीं, वैसा कुछ नहीं करने वाले हम लोग, ठीक है, उतना प्रॉब्लम नहीं लेते हैं, चुपचाप प्लांट से खाना लेते हैं. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया ऑन एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो कहाँ पे रहता है? राइबोसोम्स क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में.
Now, animal cells contain another non-membrane bound organelle called centrosome, which helps in cell division. तो एक सेंट्रोसोम होती है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज ऑब्वियसली. तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हम लोग देखते हैं इस सेल में. और ये जो हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके बहुत सारे शेप्स होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं, इसके अलग अलग काम होता है. उस काम के बेसिस में इसमें जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं ना, इसका नंबर भी अलग होती है. मतलब जहाँ अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन करना है, ठीक है, जैसे कि रेड मसल सेल्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं. कि अच्छा, तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ठीक है, इसमें और ज़्यादा कुछ मशीन्स ज़्यादा करवा देते हैं. ठीक है, मतलब देखो, तुम्हारे घर में एक किचन रहेगा तो चलेगा, है ना, या तो फिर एक किचन नहीं, अगर एक ओवन है तो उसमें चलेगा. अगर घर में अगर तीन लोग ही रहते हो आप लोग, तो एक अगर ओवन है, एक अगर गैस है, तो उसमें चलेगा. लेकिन कोई भी रेस्टोरेंट पे अगर आप जाएंगे, ठीक है, कोई भी होटल में अगर आप जाएंगे, तो वहाँ पे एक ओवन से चलेगा क्या? नहीं चलेगा. कस्टमर आएंगे, इतने सारे कस्टमर का खाना बनाना है, सब कुछ करना है, कैसे चलेगा? लेकिन वहाँ पे भी तो कंपार्टमेंट है, एक बैठने का जगह है, ठीक है, एक सोने, मतलब होटल की बात कर रही हूँ, वहाँ पे भी रूम्स हैं जहाँ पे सोने का अलग जगह है, वॉशरूम अलग अलग है, लिविंग एरिया अलग है, ठीक है, अलग अलग कंपार्टमेंट किया गया है, बहुत ज़्यादा फैंसी होती है. लेकिन उसके किचन में बहुत ज़्यादा स्टोव्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे खाना बहुत बनाना है ना. तो जिस जगह में, जिस ऑर्गेनिज्म में, या तो फिर जिस सेल में बहुत ज़्यादा ये सब यूज़ होता है, तो वहाँ पे उस हिसाब से ऑर्गेनल्स को भी इंक्रीज कर देते हैं. जैसे कि सपोज़ कहीं पे कुछ ग्रीन पार्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करनी है, तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को भी बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इंक्रीज़ हो जाती है. जैसे कि एल्गी, या तो फिर बहुत जो लार्जर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट के नंबर में बहुत डिफरेंस ऐसे रहता है. तो फॉर एग्जांपल, माइकोप्लाज्मा, द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर. तो माइक्रोप्लाज्मा क्यों छोटा होता है? क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो कोई सेल अलग से, उसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है अलग से इसके पास. तो इसीलिए क्या होता है कि जो साइज़ है, पहले वो छोटा हो जाता है. लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इन द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच अमॉन्ग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, एंड नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स. क्योंकि ये कुछ कुछ नर्व सेल्स ऐसा होता है कि पूरे स्पाइनल कॉर्ड से लेके वो पूरे बॉडी तक जा रहा है, पैर तक जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो सेल का जो लेंथ होगा वो बहुत ज़्यादा है. तो दैट्स वाई नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स इन द बॉडी. सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप. दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर. द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म. नाउ रेड ब्लड सेल राउंड एंड बाइकनकेव. व्हाइट ब्लड सेल कैसा होता है? एमीबॉइड स्ट्रक्चर का होता है, मतलब इसका कोई डिफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, एमीबा जैसे स्ट्रक्चर होती है. और यही जो एमीबा स्ट्रक्चर होता है, यही जो बाहर से कुछ भी पैथोजेंस आता है उसको किल करने में हेल्प करता है ना. ये ऐसे स्यूडोपोडिया जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है. ये स्यूडोपोडिया मतलब अगर कहीं पे सपोज इज द पैथोजन, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, वो ऐसे करके घेर लेगा और फिर घेर के इस पैथोजन को किल कर देता है, और ये पैथोजन यहीं पे डीजनरेट हो जाती है. तो ऑल दिस आर, क्योंकि ये एमीबॉयड है तो इसको वो काम करना है. रेड ब्लड सेल क्या करता है? राउंड होता है और बाइकॉनकेव होती है. क्योंकि रेड ब्लड सेल के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके इस सब के साथ बाइंड करता है ना. तो इसको क्या करना है? पूरे ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना है. मतलब सेल में ऑक्सीजन देना है, और फिर सेल जब मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ब्लड में देना है ना. मतलब सपोज यहाँ से हार्ट से ब्लड पंप हो रहा है, ये सेल तक जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या जा रहा है? ऑक्सीजन रिच ब्लड जा रहा है, और सेल में मेटाबॉलिज्म चल रही है, और यहाँ पे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लड
ऑक्सीजन दे रहा है सेल को और सेल में मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो ये वापस जो ये लेके जाएगा ब्लड, यहाँ पे क्या होगा, CO2 रिच ब्लड होगी। तो कौन ये सब करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प कौन करता है? यहाँ पे रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन के पास वो कैपेबिलिटीज होती है कि ऑक्सीजन को पकड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, ये सब काम वो पकड़ने का और छोड़ने का काम ये सब हीमोग्लोबिन संभालता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, ये पूरे बॉडी में फ्लो करता है। तो इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर होती है ना, थोड़ा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, बाइकॉनकेव टाइप की राउंड, ताकि ये इजीली चल फिर पाए। ठीक है, और यहाँ पे वाइट ब्लड सेल में क्या होता है, ये एमीबॉइड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये संभालता है बॉडी को पैथोजन से, कोई भी पैथोजन आ गया उसको किल करना है, तो ये अपने पास स्यूडोपोडिया टाइप का ये ऐसे मतलब स्ट्रक्चर कर लेता है कि हाँ ये मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट में ये स्यूडोपोडिया को हेल्प करवाता है और फिर वो पैथोजन को किल करता है। नाउ कॉलमनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नैरो। फिर आता है नर्व सेल, देख रहे हो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कहाँ पे है रेड ब्लड सेल इतुसा इतुसा और यहाँ पे नर्व सेल का जो ये स्ट्रक्चर है, टोटल स्ट्रक्चर देखो ये कितना ज़्यादा स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, मतलब ये पिक्चर में ही कितना बड़ा लग रहा है। नाउ ट्रैकेड इलोंगेटेड ये प्लांट में रहता है, मेसोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल ये भी प्लांट में रहता है। सो अब हम लोग आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, ये तो था एक सेल का ओवरव्यू। अब हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा एंड PPLO, दैट इज प्लूरोनियोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन द यूकैरियोटिक सेल। ऑब्वियसली इनके पास बहुत कुछ जो जो भी रहता है वो बहुत ईजी चीजेज है, यहाँ पे कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हो रही है, कोई अलग से ऑर्गेनल्स को डबलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो काम कम है तो काम करने में इजी होती है और काम करने में टाइम भी कम लगता है ना। यूकैरियोटिक सेल से जल्दी जल्दी ये मल्टीप्लाई कर लेता है, रैपिडली मल्टीप्लाई कर लेता है। ठीक है, दे मे वैरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, तो यहाँ पे भी शेप एंड साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। द फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, दैट इज रॉड लाइक, कॉकस स्फेरिकल, विवरियो कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरलम, दैट इज स्पिरुलम। ओके, सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स आर organization of the prokaryotic cells is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and function. Now all prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except mycoplasma. तो माइक्रोप्लाज्मा के साथ कोई भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं इस पिक्चर को, ये कोई पिक्चर वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो दिस इज द सेल वॉल, इट इज नॉट द सेल वॉल, रुको वो वाले पोर्शन में जाते हैं, ये कैप्सूल है, तो यहाँ पे वो वाले पोर्शन में जाते हैं फिर मैं इस पिक्चर में आती हूँ। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में बेसिकली क्या होता है, कोई भी सपोज दिस देयर इज अ प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट हियर, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, कुछ सेल में कुछ सेल में सेल वॉल रहती है, कुछ सेल में नहीं रहती है, जनरली सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है और इसी सेल वॉल के अंदर यहाँ पे क्या होता है, और एक सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। ओके, नाउ सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, देयर इज साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हियर, और यहाँ पे ही कुछ कुछ चीज प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोबॉडीज वगैरह। नाउ द जेनेटिक मटेरियल इज सो बेसिकली नेकेड एंड नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए,
सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। तो यहाँ पे कुछ कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल कुछ प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है यहाँ पे, और जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही एक जगह में प्रेजेंट रहता है, एज ए न्यूक्लियॉइड हम लोग उसको जानते हैं। तो इसके साथ साथ एक सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होती है यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। इस चीज़ को बोला जाता है प्लाज्मिड। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड, और यही प्लाज्मिड बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज में या तो फिर प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है या हेल्प करता है। नाउ द प्लाज्मिक डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक टू सच बैक्टीरिया। वन सच फैक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट दिस। प्लाज्मिक डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद इन फॉरेन डीएनए। तो पूरे जो बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है, दो चैप्टर, वो प्लाज्मिक डीएनए के ऊपर ही है। वहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लाज्मिक डीएनए कितना कुछ काम करता है। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। तो बस राइबोसोम ही प्रेजेंट होता है, लेकिन राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। तो बस इकलौता वही ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है जो कि यूकैरियोट्स में है और प्रोकैरियोट्स में है, एंड दैट इज द राइबोसोम। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। अ स्पेशलाइज डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मिजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। दीज आर एसेंशियली फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जैसे कि सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो इसी सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, इसी सेल मेम्ब्रेन में ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड दीज आर द ग्रूव्स, बिकॉज यहाँ पे ये ग्रूव्स क्या करता है, बेसिकली ये जो सरफेस एरिया है, सेल का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करता है। तो हम लोगों की जो रेस्पिरेशन वगैरह चलती है वो कहाँ पे चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। हम लोगों की मतलब इन द सेंस यूकैरियोटिक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन वगैरह चलता है, तो वहाँ से हम लोग को एनर्जी मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो अब प्रोकैरियोट्स के पास तो कोई ऑर्गेनल्स है नहीं, लेकिन इसको भी तो काम करना है ना, तो ये क्या करता है, ये जो मीजोसोम है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है ना, यहीं पे ये बाकी के जो रेस्पिरेशन होती है ये सब काम वो यहाँ पे करता है। ओके, तो ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स, हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर्स। द आउटर मोस्ट इज द ग्लाइकोकॉलिक्स, फॉलोड बाई द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन, दे एक्ट टूगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप्स एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजियर डेवलप्ड बाय द ग्राम वेस। तो देखो यहाँ पे तीन टाइप के सेल्स, यहाँ पे तीन टाइप के मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। एक हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, एक होता है सेल वॉल, और तीसरा है क्या, सेल मेम्ब्रेन, या तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ये ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है, ये ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप के होंगे। क्या क्या टाइप होगा, एक होगा अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, देखते हैं क्या है। चलो, तो यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर इन सम, वाइल इन अदर्स इट मे बी थिक एंड टफ विच इज कॉल्ड कैप्सूल। तो हम लोग क्या देखें कि दो टाइप का होता है, एक है कि स्मूथ, एक स्लाइम लेयर जैसा होता है, ठीक है, और दूसरा है क्या, कैप्सूल, ये टफ होती है, ठीक है, दिस इज द टफ वन। और ये जो स्लाइम जैसे, स्लाइम लेयर जैसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिकी नेचर के होते हैं, एंड द कैप्सूल वन इज द टफ वन। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, स्टेनिंग प्रोसीडियर के ऊपर बेस करके सेल एनवेलप का मॉडिफिकेशंस होती है। तो दो तरीके की हम लोग देखते हैं
बैक्टीरिया एक है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा है अदर्स आर ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थोड़ा सा आता है। एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, और इसमें डिफरेंसेस क्या है कि एक बेसिकली पॉजिटिव मतलब क्या कि इसने ग्राम स्टेनिंग लिया है, ठीक है, ये इसको हम लोग स्टेन कर सकते हैं, इसको स्टेन कर सकते हैं, और इस चीज़ को हम लोग स्टेन नहीं कर सकते हैं, स्टेन नहीं कर सकते हैं। तो यही है डिफरेंस। नेगेटिव मतलब यहाँ पे स्टेन, पॉजिटिव मतलब यहाँ पे स्टेन दिखेगा, और नेगेटिव मतलब यहाँ पे स्टेन नहीं दिखेगा। दैट इज़ द डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसके जो सेल मेम्ब्रेन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसी में डिफरेंस है जिसके लिए स्टेनिंग प्रोसीजर में भी डिफरेंसेस आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे थे, बैक्टीरिया के यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स है, ये स्लाइम स्लाइम लेयर है, और ये कैप्सूल है, दिस इज द डिफरेंस। तो अगर हम लोग कोई भी ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव को अगर हम लोग देखते हैं, तो दिस इज द पिक्चर, मैंने पहले ही ड्रॉ करके आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे देखो दो आउटर मेम्ब्रेन है, दो आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। यहाँ पे है एक आउटर मेम्ब्रेन और यहाँ पे है एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। दोनों का जो स्ट्रक्चर है, दोनों काइंड ऑफ सेम है, ठीक है। यहाँ पे एक पोरिन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, और इसके ऊपर यहाँ पे लाइपोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज द पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन प्रेजेंट हियर, अ सिंगल पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन प्रेजेंट हियर, एंड दिस इज द पेरीप्लाज्मिक स्पेस ऑल्सो प्रेजेंट हियर, एंड दिस इज द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म की तरफ है, एंड दिस इज द प्रोटीन, दिस इज ऑल्सो द प्रोटीन। तो हम लोग देखें कि ग्राम नेगेटिव जो है, इसके पास एक सख्त बहुत ही अच्छे से एक दो लेयर प्रेजेंट होता है, एक बाहर के ऊपर एक लेयर है आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरा क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो जो ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस है ना, ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस के ऊपर एक लेयर होने से क्या होता है, जब भी कोई स्टेन आता है, जब भी कोई स्टेन हम लोग दे रहे हैं, कोई भी केमिकल हम लोग दे रहे हैं इस सेल को स्टेन करने के लिए, ये आउटर लेयर को वो क्रॉस नहीं कर पाता है, ये परमिएबल नहीं होता है, इतने अच्छे से इसको इसके थ्रू ये पास नहीं होता है स्टेन के जो मॉलिक्यूल्स या तो फिर ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। एंड फॉर दैट रीज़न इसको अगर हम लोग पास नहीं कर पाते हैं, तो पास अगर नहीं कर पाएंगे तो इसको स्टेन कैसे करेंगे, है ना। पास अगर नहीं कर पाएंगे तो जैसे ही हम लोग अल्कोहल से वॉश करेंगे, या तो फिर पानी से वॉश करेंगे, फिर अल्कोहल वॉश करेंगे, ये तो पूरा घुल के तो ये बाहर निकल के जाएगा, है ना, अल्कोहल के साथ ये बाहर निकल के चला जाएगा। तो फिर क्या होता है, इसीलिए इस चीज़ को हम लोग स्टेन नहीं कर पाते हैं, और एंड दैट्स फॉर दैट रीज़न इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्राम नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, इसको स्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये स्टेन हो नहीं रहा है, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न कि इसको हम लोग ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। और अगर हम लोग देखते हैं ग्राम पॉजिटिव में, तो ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है, और एक लेयर के साथ, रुको, इस पिक्चर को मैंने नहीं बनाया है, यहाँ पे क्या होता है कि सॉरी, ये पेप्टाइडोग्लाइकन चेन प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे ग्राम नेगेटिव के जैसे एक पेप्टाइडोग्लाइकन चेन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेप्टाइडोग्लाइकन चेन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन चेन मैंने यहाँ पे बनाया है, ये और भी प्रेजेंट होगा, ओके। नाउ ओके, तो यहाँ पे ऐसे करके पेप्टाइडोग्लाइकन चेन्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे इस पोजीशन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट होता है।
द पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट हियर। और यहाँ पे प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे पोडिन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है? जैसे कि हम लोग वहाँ पे देखे थे, यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होती है, प्रोटीन इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर, लेकिन यहाँ पे कोई भी पोडिन प्रेजेंट नहीं होता है। वी हैव सीन हियर कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोडिन प्रेजेंट है, यहाँ पे पोडिन प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होती है लेकिन पोडिन प्रेजेंट नहीं होती है। और यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन के जो लेयर है, चेन है, वो बस एक ही प्रेजेंट है, मतलब कम प्रेजेंट है। नंबर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन चेन कम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? सो ये जो था पेरिप्लाज्मिक स्पेस, इसको पहले बता देते हैं, दिस इज पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट हियर। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है ना? ओके, प्रोटीन प्रेजेंट है। सो दिस इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लेयर पे अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, देखो अगर कोई भी स्टेन दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे अलग से बाहर में एक सॉरी यहाँ पे जैसे एक बाहर में एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और फिर एक पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट है और फिर एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ पे ये खुला छोड़ दिए हैं, ठीक है? नेचर ने इस चीज़ को खुला छोड़ दिया है और यहाँ पे कोई भी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई भी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होता है, यहाँ पे कोई भी सेमी परमिएबल कुछ चीज़ प्रेजेंट नहीं है, अच्छे से इसको मतलब एकदम परमिएबिलिटी यहाँ पे सही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा है ना, ये मोर परमिएबल देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो वो सेल स्ट्रक्चर है उससे ज़्यादा तो ये परमिएबल है। तो जैसे यहाँ पे स्टेनिंग आती है ये यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, उसके जो ग्रैन्यूल्स है, स्टेनिंग के जो ग्रैन्यूल्स है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे ट्रैप हो जाती है ये कलर देती है, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे ट्रैप हो गया है पूरे के पूरे ग्रैन्यूल्स तो ये एक कलर छोड़ेगा। तो क्या होता है, जैसे अल्कोहल से वॉश किया जाता है ना, ये जो यहाँ पे मतलब रह जाता है ये फिर अल्कोहल वॉश से भी ये मतलब नहीं छूटता है, ठीक है? इसको छुड़ाया नहीं जा सकता है, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव में सब निकल जाता था लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर में वहाँ पे लगा हुआ रहता है, जैसे कि इस जगह में पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर में भी अगर कुछ फंसा हुआ है ना तो अल्कोहल वॉश से वो चला जाता है, ये वाले लेयर हट जाएगा तो ये वाला जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है ये रह जाता है, तो ये टोटली क्लीन रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव में यहाँ पे टोटल इस पे यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, और जैसे ट्रैप हो जाती है यहाँ पे कोई भी मतलब कुछ छूटता नहीं है और ये कलरफुल हो जाती है, मतलब ग्राम पॉजिटिव मतलब ये कलर ले रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंसेस देखने की कोशिश करते हैं तो डिफरेंसेस में हम लोग क्या देखते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है? तो डिफरेंसेस में हम लोग क्या देखेंगे, कुछ चीज़ तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ से बता सकते हैं, राइट? कि ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, राइट? एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जहाँ की ग्राम नेगेटिव में अगर ग्राम पॉजिटिव में अगर हम लोग देखते हैं तो ग्राम पॉजिटिव में बस एक ही सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दैट इज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो अगर मेजर मेम्ब्रेन की बात किया जाए तो मेजर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, मतलब क्या प्रेजेंट होता है, नहीं मेजर मेम्ब्रेन कितने सारे प्रेजेंट होते हैं, मेजर मेम्ब्रेन मेजर मेम्ब्रेन सर ग्राम पॉजिटिव में वन मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होते हैं और ग्राम नेगेटिव में
दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या है, अगर हम लोग देखते हैं पेरिप्लाज्मिक जो स्पेस है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस कितना होता है, अगर यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव में अगर हम लोग देखते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस, वो बहुत ज़्यादा नैरो होती है, राइट। पेरिप्लाज्मिक स्पेस यहाँ पे नैरो होती है, और ग्राम नेगेटिव में दिस इज एक्सटेंसिव। इसके बाद इफ यू सी द कॉम्पोनेंट्स, कॉम्पोनेंट्स अगर हम लोग देखते हैं, कॉम्पोनेंट्स में यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेंस प्रेजेंट होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेंस दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन, टिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन देखते हैं, लेकिन लाइपोप्रोटीन, लाइपोपॉलीसैकेराइड, लाइपोप्रोटीन, लाइपोपॉलीसैकेराइड, पेप्टाइडोग्लाइकन, ये सब हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि मेजर मेम्ब्रेन हो गया, पेरिप्लाज्मिक स्पेसेस हो गए, क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है वो भी हो गया। इसके साथ और भी देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम पॉजिटिव इज परमिएबल कितना होता है, मोर परमिएबल या लेस परमिएबल। ग्राम पॉजिटिव मतलब ये स्टेन दे रहा है, तो स्टेन दे रहा है मतलब स्टेन के जो ग्रैन्यूल्स है वो यहाँ पे अटक जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली इट इज़ लेस, सॉरी मोर परमिएबल, राइट। परमिएबिलिटी इसकी ज़्यादा है, एंड दिस वन इज लेस परमिएबल। नाउ यहाँ पे पांच नंबर पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं, तो थिकनेस के हिसाब से ये थिक ज़्यादा होती है और ग्राम नेगेटिव थिक कम होती है। ओके, सो थिकनेस की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, आप बस इतना ही याद रखना तो भी चलेगा, ठीक है। उतना हम लोग और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं इस चीज़ को। सो देखो, ग्राम पॉजिटिव में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्राम पॉजिटिव में मेजर मेम्ब्रेन कितना है, दो, वन मेजर मेम्ब्रेन है, ग्राम नेगेटिव में दो है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस अगर देखते हैं तो दिस इज़ नैरो, और ग्राम नेगेटिव में एक्सटेंसिव होती है। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन, टिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड, एंड ग्राम नेगेटिव में लाइपोप्रोटीन, लाइपोपॉलीसैकेराइड, पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होते हैं। मोर परमेबल होता है ग्राम पॉजिटिव में, एंड फॉर दैट रीजन स्टेन को होल्ड कर सकता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में लेस परमेबल होती है, तो स्टेन के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो बाहर ही अटक जाते हैं। और अगर हम लोग अल्कोहल से वॉश करते हैं तो ग्राम नेगेटिव का ये जो पोर्शन है ये उड़ जाता है, या तो फिर यहाँ से वो डायरेक्टली बाहर निकल जाता है। इस चीज़ को वो इफेक्ट नहीं करता, ये जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है इस चीज़ को वो इफेक्ट नहीं करता, और इसीलिए स्टेन को होल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग के ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में। अब हम लोग देखते हैं द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। तो सेल वॉल क्या करता है, एक प्रॉपर रिजिड स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है ताकि वो बर्स्ट ना करे या तो फिर कोलैप्स ना कर जाए। मतलब कोलैप्स कब करेगा, अगर श्रिंक करेगा तो कोलैप्स करेगा, तो श्रिंक ना कर जाए और बर्स्ट ना कर जाए, ये दोनों चीज़ ही ये मेंटेन करता है सेल वॉल। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट्स विद आउटसाइड वर्ल्ड। द मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन टू द सेल। दीज एक्सटेंशंस फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रेशन प्रोसेसेस टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन टू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स कंटेन पिगमेंट्स। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, क्रोमैटोफोर्स के बारे में बताया गया है साइनोबैक्टीरिया में जो कि प्रेजेंट है, और ये क्रोमैटोफोर्स बेसिकली क्या करता है, कंटेन्स पिगमेंट्स। और हम लोग जो यहाँ पे मेसोसोम देखे थे बैक्टीरिया में, ठीक है, वन सेकेंड, ये
यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो मीजोसोम्स देखे थे, दिस एक्सटेंशंस आर बेसिकली द मीजोसोम, और यही मीजोसोम क्या करेगा, दिस मीजोसोम्स हेल्प इन रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके साथ साथ रेस्पिरेशन के साथ साथ जो सेल डिवीशन है वहाँ पे हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन के जो सिंथेसिस है, कुछ चीज़ सिंथेसिस करने के लिए वहाँ पे हेल्प करता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। तो ये मीजोसोम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इवन ये जो ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो ये सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और जो सेल वॉल का फॉर्मेशन है उस सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी ये मीजोसोम हेल्प करता है। तो मीजोसोम इज़ एक्चुअली वेरी वेरी हेल्पफुल। ऑब्वियसली सेल में जो भी है वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये कुछ काम नहीं करता है, चुपचाप बैठा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सारे के सारे ऑर्गेनल्स कुछ ना कुछ काम करते हैं, ऑर्गेनल्स नहीं या तो फिर उस सेल का एक्सटेंशन हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ काम करते हैं। ना बैक्टीरियल सेल्स मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटिलिटी की जब बात होती है ना तो एक नाम आ जाता है, दैट इज़ फ्लैजेला। तो फ्लैजेला एक ऐसी चीज़ है जो कि मोटिलिटी में हेल्प करता है, भले वो यूकैरियोटिक में हो या तो फिर प्रोकैरियोटिक में हो। यूकैरियोट्स में स्पर्म के पास फ्लैजेला होता है, इसीलिए वो मोटाइल होती है, राइट। तो इफ़ मोटाइल, दे हैव थीन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। एंड फ्लैजेला के पास तीन चीज़ होती है, एक है कि एक तो होती है उसकी बेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी, और फिर इसके एक्सटेंशन ऐसी होती है। तो दिस इज़ द हुक, ये जो ऊपर के पोर्शन है ना इसको हुक बोलते हैं, ये जो लंबा सा ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, और ये जो बेस है, दिस बेस इज़ कॉल्ड एज बीवी, बेसल बॉडी। ओके, सो द बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज़ कम्पोज ऑफ थ्री पार्ट्स, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी, और ये कहाँ से निकल के आता है, सेल वॉल से एक्सटेंशन होती है इसकी। ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहाँ से एक्सटेंशन हो रही है ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, सेल मेम्ब्रेन से नहीं, ग्लाइकोकैलिक से नहीं, कैप्सूल से नहीं, सेल वॉल से इसका एक्सटेंशन होती है। बैक्टीरिया शो अरेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ फ्लैजेला, ठीक है। तो फिलामेंट्स आर इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सर्फेस टू द आउटसाइड। बिसाइड फ्लैजेला, पिली एंड फिमरी आर द सर्फेस स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। तो पिली एंड फिमरी अटैचमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। रॉक हो या तो फिर कोई स्ट्रीम्स हो या तो फिर कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म हो, उनके साथ अटैचमेंट पे ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये पिली के वजह से, ये जो हम लोग प्लाज्मिड पढ़ रहे थे ना, वो प्लाज्मिड के ट्रांसफर में भी ये पिली हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। द पिली आर इलोंगेटेड, पिली या पिलाई जो भी बोलो, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन, पिलीन प्रोटीन होता है। एंड द फिमरी are small bristle-like fibers sprouting out of the cell. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to the rocks, streams, and also to the host tissues. अब हम लोग आ गए हैं पिली एंड फिमरी सब कुछ छोड़ के राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज में। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज में क्या होता है, राइबोसोम इज वो इकलौता चीज़ है जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में इसका जो सिचुएशन है वो कुछ अलग होता है। अगर राइबोसोम बेसिकली एक ऐसा लार्ज यूनिट होती है और इसके साथ साथ एक नीचे इनका स्मॉल यूनिट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये लार्ज यूनिट का साइज अलग होता है, ऑब्वियसली दिस इज अ लार्ज यूनिट और दिस इज अ स्मॉल यूनिट, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस एक चीज़ की होती है कि प्रोकैरियोट में इसकी जो टाइप होता है वो क्या होता है, 70S टाइप का होता है, और यूकैरियोट में ये 80S होता है। एस का मतलब क्या होता है, सेडबर्ग यूनिट, ठीक है, सेडबर्ग यूनिट। तो ये यूनिट बेसिकली नॉर्मल कोई यूनिट की जैसे हैं जिससे नापा जाता है। तो ये लार्ज जो सब यूनिट होता है वो प्रोकैरियोट में कितना होता है, 50S और 30S। अब आप बोलोगे कि मैम 50 और 30 मिला के तो 80 होता है, यहाँ पे 70 क्यों बोल रहे हैं आप। अब देखो, ये मैथ का क्लास है नहीं, ये बायोलॉजी का क्लास है, ठीक है। तो बायोलॉजी में 2 + 2 = 4 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ होता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल हम लोग मैथ कर रहे हैं ना, 2 + 2 तो 4 ही होगा, 50 + 30 80 होनी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या दिए हैं, सेडबर्ग यूनिट दिए हैं।
अब जब हम लोग सेटबॉक यूनिट का यूज़ कर रहे हैं ना, तब उसका मेजरमेंट कुछ अलग ढंग से हो रही है। अब एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल देते हैं। अभी समर सीजन है, अभी मैंगो मिल रही है, आम का सीज़न है। अब आम का अगर सीज़न है तो आम हम लोग ले रहे हैं और इसके साथ दूध ले रहे हैं, दूध नहीं लिखते हैं, मिल्क लिख रहे हैं। अब देखो, कोई भी मिक्सर में अगर आप आम को पीस रहे हैं तो उसका एक अलग थिकनेस होती है, एक क्रीमी सा टेक्सचर होता है ना। और वो जब आप देखोगे ना ऊपर से, जब वो मिक्सिंग हो रही है, देखोगे आप ऊपर से, वो बहुत स्मूथ एक टेक्सचर दिखता है। ठीक है, कहीं आसपास छिटकता नहीं है, एक स्मूथ टेक्सचर दिखता है और बहुत सुंदर एक क्रीम टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। लेकिन जब आप मिल्क को अगर आप मिक्सर में घुमाएंगे तो वो पूरा तरफ छिटक जाता है, उसकी जो क्रीमीनेस होती है वो सब कुछ होती नहीं है। ठीक है, वो एक प्लेन पानी के जैसे वो मिल्क होता है। ठीक है, और वो बहुत जल्दी 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 वो घूमता रहता है, लेकिन आम इतनी जल्दी नहीं घूमता है क्योंकि उसका थिकनेस होती है। अब अगर इन दोनों को मिलाया जाए और फिर एक आम का मैंगो शेक बनाया जाए, ठीक है, अब जब मैंगो शेक हो रहा है तब इसका स्पीड क्या होता है, इससे थोड़ा कम होती, इससे थोड़ा ज़्यादा होती है, और मिल्क घुमाने से थोड़ा कम होती है। तो वो एक मिडिल ग्राउंड होल्ड करता है। और इसी मिडिल ग्राउंड के लिए ही यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 और 30 मिल के 70 हो रही है। मतलब जब हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पे एक लाइन है, पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पे देखो, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। यस, राइबोसोम्स क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लगा हुआ रहता है, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं वहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में हम लोग देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में भी रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी रहता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। नाउ दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज एंड आर मेड ऑफ टू सब यूनिट्स, 50S and 30S यूनिट्स, विच वैन प्रेजेंट टूगेदर फ्रॉम 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल mRNA फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट इंटू mRNA इंटू प्रोटीन। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट एक बात बताया गया है, तो हम लोग देखते हैं उस चीज़ को थोड़ा सा। इस चीज़ को अगर देखने जाए तो क्या होता है कि सी, दिस इज़ अ DNA, ठीक है, दिस इज़ अ DNA, और ये DNA सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है ना, रेप्लिकेशन करता है। तो हम लोग रेप्लिकेशन में नहीं जा रहे हैं अभी, हम लोग को अभी दूसरा कुछ देखना है। क्या देखना है कि यही DNA से जब RNA होती है तब उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे RNA हो रही है, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन नहीं बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और फिर इसी प्रोटीन, इसी RNA से जब प्रोटीन बनती है, उस प्रोटीन के जो बनने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, है ना, ट्रांसलेशन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बनी है, प्रोटीन बनी है। अब देखो क्या होता है कि यही जो जब हम लोग राइबोसोम को देखते हैं ना, राइबोसोम को अभी जब हम लोग पढ़ते हैं तब ऐसे टाइप के पढ़ रहे हैं कि हाँ ये 70S है, वो 80S है, लेकिन ये राइबोसोम कभी ऐसे लार्ज और स्मॉल सब यूनिट एक साथ नहीं रहता है। उसी टाइम में ये लार्ज और स्मॉल सब यूनिट आता है जब इसको प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। और प्रोटीन सिंथेसिस तभी करना होगा जब ये mRNA बन जाएगा, और यही mRNA के ऊपर इसको बैठना होगा, ठीक है, और ये बैठ बैठ के, ये राइबोसोम यहाँ पे बैठ के क्या करेगा, पॉलीजोम बनाएगा, पॉलीजोम का स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे कि वहाँ पे लिखा है, ठीक है। बहुत सारे राइबोसोम अगर mRNA के ऊपर आ जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पॉली राइबोसोम और पॉलीजोम। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाता है, इसके बाद ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ये तभी बनाता है जब इसको प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है। जब इसको प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है तभी सिर्फ ये राइबोसोम की लार्ज और स्मॉल सब यूनिट आके mRNA में बैठता है, और ये तभी बैठता है जब इसको प्रोटीन सिंथेसिस या फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस की ज़रूरत होती है। तो अब ये जब प्रोटीन सिंथेसिस करेगा उसके पहले ये पॉलीजोम बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया राइबोसोम की बात। तो
इस टाइम में क्या होता है, ये 50S और 30S एक साथ मिल रहे हैं, तो ये मिलने के टाइम में क्या होता है, इनकी जो मेजरमेंट है ये दोनों मिलके 70S हो जाती है, और सेम तरीके से इसकी जो 60S और 40S मिलके यहाँ पे 100 की जगह 80S बनाते हैं, क्योंकि ये उनकी मेजरमेंट है। ठीक है, तो ये था कि प्रोकैरियोट में क्यों 70S होता है और यूकैरियोट में क्यों 80S होता है, जहाँ की इसकी लार्ज 50S है और स्मॉलर सब यूनिट 30S है, और इसकी लार्जर और स्मॉलर है 60S एंड 40S रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग अभी देखेंगे कि राइबोसोम में और क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। राइबोसोम में लिखा हुआ है कि द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन्स, खत्म राइबोसोम। इसके बाद आता है इंक्लूजन बॉडीज, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, दीज आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन सिस्टम लाइक फ्री इन द साइटोप्लाज्म। और इसका जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल्स क्या क्या है कि इंक्लूजन बॉडीज क्या है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, सैनोफाइजिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। तो ये तीन यहाँ पे नाम दिया गया है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, सैनोफाइजिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हो गया, तो ये था इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। तो हम लोग क्या क्या देखे, इंक्लूजन बॉडीज देखे हैं, राइबोसोम्स देखे हैं, और इसके साथ साथ इसके पहले हम लोग क्या देखे हैं, यहाँ पे कैसे मोटिलिटी होती है, फिलामेंट कैसे काम करते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन वगैरह कैसे होता है, मेसोसोम का क्या काम है, और बाकी के जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इसके बारे में देखे हैं, और इसके साथ साथ ग्राम नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे ग्राम नेगेटिव क्या बनता है, लाइकोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होती है, पोडीन प्रेजेंट होती है, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव में कोई भी पोडीन्स कुछ प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होती है, नॉट पोडीन प्रेजेंट नहीं होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये एक बैक्टीरियल सेल का बारे में बताया गया था, ग्लाइकोलाइसिस में अगर स्लाइम लेयर होती है तो वो थोड़ा स्टिकी नेचर का होता है, अगर कैप्सूल होता है तो वो रिजिड नेचर का होता है। ग्लाइकोकैलेज के साथ साथ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ये सब भी प्रेजेंट होते हैं, और ये सब जब सब एक साथ प्रेजेंट होते हैं इसको हम लोग टोटली एक कैप्सूल के जैसे देखते हैं, है ना, अगर वो रिजिड होता है तो। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट हम लोग देखे थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के स्ट्रक्चर, कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होती है, और न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस रहता है जहाँ पे mRNA सिंथेसिस वगैरह होता है, और ये न्यूक्लियस को घेर के रखता है कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और प्रोकैरियोट में कोई भी ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके बाद हम लोग देखे थे इस जगह में कि ये जो सेल वॉल प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, कैसे मेसोसोम यहाँ पे रहता है, इसके साथ साथ कैसे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होती है, और प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड भी कैसे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एक फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड हियर। नाउ इसके बाद आता है पॉजिटिव और ग्राम ग्राम नेगेटिव के बारे में, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के जितने सारे डिफरेंसेस हैं जो आपके लिए ज़रूरत होती है, वैसे टाइप के डिफरेंसेस चार हम लोग लिख लिए हैं, है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप इसको कहीं पे छोटे करके लिख के रखेंगे, अभी अलग से ना कोई नोट्स मत बनाओ, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वहीं पे छोटे छोटे आसपास जो जगह है वहीं पे तुम लिख लो, या तो फिर कोई छोटे सा पेज में, या तो फिर स्टिकी नोट पे लिख के वहां पे चिपका दो, बाकी और कोई भी अलग से कॉपी बनाना ये सब मत करो, 1 महीने पहले ये सब मत करो। ठीक है, जो चीज़ तुम्हारे पास है उसी को बार बार पढ़ो। इसके बाद हम लोग देखे हैं यहाँ पे पॉलीजोम के बारे में, कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन होती है, और फिर ट्रांसलेशन के टाइम में यहाँ पे पॉलीजोम बनता है, पॉलीराइबोसोम, या तो फिर पॉलीजोम बोला जाता है। कब बोला जाता है, जब एक mRNA में इतने सारे राइबोसोम्स एक साथ बैठ जाते हैं, फिर एक जैसे कि बिट्स ऑन स्ट्रिंग के जैसे बनाते हैं, लेकिन हम लोग इसको बिट्स ऑन स्ट्रिंग नहीं बोलते हैं, हालांकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीजोम बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन होगा। नाउ राइबोसोम का स्ट्रक्चर, राइबोसोम का स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कैसे डिफरेंसेस होते हैं 70S और 80S का। तो वी हैव ऑलरेडी सीन टिल राइबोसोम, राइबोसोम के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, और आज हम लोग सेल एनवेलप, सेल एनवेलप की मॉडिफिकेशन, प्रोकैरियोटिक सेल इसके बारे में हम लोग देखे हैं, उसके साथ साथ एन ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल थ्योरी, और कैसे लिविंग नॉन लिविंग के डिफरेंस वहाँ से हम लोग शुरू किए थे। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ।
आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़। अगर आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ मुझे पूछिए, ठीक है? तो स्टडी वेल, बाय, ऑल द बेस्ट।